एवरीवन, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल शिवानी स्टडी हब में। आज की इस वीडियो में हम लोग जीएसटी पेपर 2 के इम्पॉर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू देखेंगे इस सीरीज़ में, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपका जो सारे टॉपिक्स से मैंने जो सिलेबस है आपका सेकेंड में, सब में से एमसीक्यू करा दिया था। कल वाला सेशन अगर आपने नहीं देखा है, IGST वाला इनपुट अंडर क्रेडिट वाला भी मैंने करा दिया था, रजिस्ट्रेशन से भी करा दिया था, असेसमेंट से। तो बचा था एक टॉपिक आपका असेसमेंट। तो जितने टाइप्स ऑफ असेसमेंट होते हैं अंदर GST, उसमें से आपसे एग्ज़ाम में यहाँ पर सेक्शंस पूछ सकते हैं। तो एक बार हम लोग सेक्शंस को देख लेते हैं। तो जितने भी टाइप्स ऑफ असेसमेंट होते हैं GST में, सेक्शन 59 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 59 किससे डील करता है? सेल्फ असेसमेंट ऑफ टैक्सेस पेबल। ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सेक्शन 60 की बात करें तो ये डील करता है प्रोविजनल असेसमेंट से। सेक्शन 61 है, डील करता है स्क्रूटनी ऑफ टैक्स रिटर्न फाइल्ड बाय द रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन। बस आप इतना समझ लो कौन सा सेक्शन किस सर। अगर मान लो बात कर रहा है सेल्फ असेसमेंट की तो 59 में बात किया है, अगर प्रोविजनल असेसमेंट की बात किया तो 60 में किया है। मतलब 59 से लेकर 64 तक ये टोटल असेसमेंट है। आपको नाम याद रखना है, सेक्शंस पूछ सकते हैं। स्क्रूटनी ऑफ टैक्स रिटर्न फाइल्ड बाय द, एक सेकेंड, सिक्सटी टू में फिर है असेसमेंट ऑफ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन हु वाज फेल्ड टू फाइल द टैक्स रिटर्न, और 63 में है असेसमेंट फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, ये क्वेश्चन PYQ में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सेक्शन पूछा गया है। सेक्शन 64 की अगर हम यहाँ बात करें तो समरी असेसमेंट इन सर्टन स्पेशल केसेस। तो 59 से लेके अगर हम यहाँ पर बात करें 64 में पूरा आपका टाइप्स ऑफ असेसमेंट की बात की गई है। आपको हो सके तो यहाँ पर दे दें कि सेल्फ असेसमेंट की बात किस में गई है, तो सेक्शन 59 में। प्रोविजनल असेसमेंट की बात किस में गई है, तो 60 में की गई है। अनरजिस्टर्ड पर्संस की बात किस में की गई है, तो 63। तो याद रखना, सेक्शन भी पूछ सकते हैं और किस सेक्शन में किसकी बात की गई है ये भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC अगर हम बात करिए किसको अवेलेबल होता है? इन द कोर्स या फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, बी है अदर देन बिजनेस एक्सपेंसेस, सारे तरह के एक्सपेंसेस, की ए, डी नन ऑफ दी हो। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस, क्योंकि ITC हमने आपको सबसे पहला कल टॉपिक यही बताया था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है अवेलेबल होता है यहाँ पर, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन नॉट बी क्लेम्ड अगेंस्ट विच आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी? तो IGST, SGST, CGST, IGST, SGST, IGST की CGST, IGST सारे के फुल फॉर्म याद रखना। तो कौन सा नहीं क्लेम कर सकते हैं? डी, CGST एंड SGST। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 48 इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन कंपेंसेशन पेड अंडर GST कंपेंसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017। यहाँ पर आपके चांसेस GST पेपर 1 के भी MCQ आपको पेपर 2 में देखने को मिलेंगे, तो उसको भी आप देख लेना। ठीक है, इज़ नॉट अवेलेबल, इज़ अवेलेबल बट नॉट फुली इज़ अवेलेबल आफ्टर 1 ईयर। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन कंपेंसेशन पेड अंडर GST की हम बात करें तो ये क्या होता है? अवेलेबल होता है किस एक्ट के तहत? 2017 GST कंपेंसेशन टू स्टेट्स। 49 है इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबिलिटी, ए है ऑन रिसिप्ट ऑफ गुड्स, बी ऑन पेमेंट ऑफ टैक्सेस पेड बाय द सप्लायर टू गवर्नमेंट, टेकन टू मैन्युफैक्चरिंग साइट या अवेल्ड सर्विसेज, की नन ऑफ दी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही, कि इनपुट टैक्स क्रेडिट ये किसको अवेलेबल होता है? ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स जो पे करता है सप्लायर टू गवर्नमेंट। नेक्स्ट है 50 है, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबिलिटी इन केस ऑफ कंपोजिशन स्कीम ऑन रिसीप्ट ऑफ गुड्स ऑन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, जो भी हम पेड करते हैं सप्लायर गवर्नमेंट को, सी की टेकन टू मैन्युफैक्चरिंग साइट या अवेल्ड सर्विसेज, की डी, ITC कैन नॉट बी क्लेम अंडर कंपोजिशन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दैट इज ITC कैन नॉट बी क्लेम्ड अंडर द कंपोजिशन स्कीम। 51 है इनपुट टैक्स ऑन कैपिटल गुड्स क्या होता है? इन वन इंस्टॉलमेंट में होता है, पार्टली 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में ओनली 1 इक्वली 10% ऑफ द एरियर। इनकम टैक्स ऑन द, अगर हम बात करें कैपिटल गुड्स पे, तो ऑप्शन नंबर ए, इन अ वन इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पर 52 की अगर हम बात करें, पार्टिसिपेशन ऑफ ITC वैल्यू चेन इन कंपोजिट स्कीम इज, विथ पार्टिसिपेशन है, बी विदाउट पार्टिसिपेशन,
either A or B, none of the above. तो participation of ITC value chain in composite scheme is without the participation B option. 53 है, in the common portal, every claim of an input tax credit of a registered person shall be credited to. तो common portal की अगर हम बात करें, every claim of input tax credit जो registered होता है, electronic cash ledger, electronic credit ledger, electronic liabilities register की electronic credit register. तो option number यहाँ पर B हो जाएगा, that is electronic credit ledger. 54 है, input tax credit as self-assessed in the return of the registered person shall be credited to which of the following ledger? Electronic liability register, electronic credit ledger, electronic cash ledger की होती है वो. तो that is electronic credit ledger जो हो जाएगा, ये आपका B option. 55 है, the total number of states considered as a special category states as per GST Act की बात करें. 10, 11, 12 की 13. तो that is option number B, 11. सारे MCQ बहुत ज़्यादा इसके पहले ही मैंने अपलोड किए हैं, उनको भी देख लेना. वट इज़ द ड्यू डेट फॉर सबमिशन ऑफ मंथली GSTR1 ऑन या बिफोर 10th डे ऑफ द इमीडिएटली सक्सीडिंग मंथ या 15th ऑन या बिफोर 15th डे ऑफ द इमीडिएटली सक्सीडिंग मंथ कि सी है ऑन या बिफोर 17th डे ऑफ द इमीडिएटली सक्सीडिंग मंथ ऑन या बिफोर 20th डे ऑफ द सिमिलरली. तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑन, याद रखिएगा अच्छे से, ऑन या बिफोर 10th डे ऑफ द इमीडिएटली सक्सीडिंग मंथ. क्वेश्चन नंबर 57 है, GST 1 इज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड बाई एवरी रजिस्टर्ड डीलर एवरी मंथ हूज टर्नओवर एक्सीड्स 40 लाख, 75 लाख, 1.5 करोड़ की 5 करोड़. तो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1.5 करोड़. 59 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अगर हम बात करें आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल द एनुअल रिटर्न. इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर बी है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, सी है नॉन रेसिडेंट टैक्स पेयर की ऑल ऑफ द अबव. तो ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव. ये सारे के सारे जो है नहीं रिक्वायर्ड किए जाते हैं एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ए एनुअल रिटर्न. 59 है, द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ मंथली GSTR 3B इज 1 या बिफोर 10th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, बी है आफ्टर 10th डे बट ऑन या बिफोर 15th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ कि सी है 17वें दिन या उसके पहले, ठीक है, ऑन या बिफोर 20th. तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑन या बिफोर 20th डे ऑफ द इमीडिएटली सक्सीडिंग मंथ. 62 है, द ड्यू डेट ऑफ फिलिंग द फाइनल रिटर्न GSTR 4 इज 31st मार्च, 30th मार्च, 30 सितंबर की 30 मंथ. ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 30 अप्रैल. कितने तरह के रिटर्न होते हैं उनके नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपसे पूछ सकता है. टाइप्स ऑफ रिटर्न की बात करें मंथली या क्वार्टरली रिटर्न की, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक नेम है GSTR 1. ये किसके द्वारा फील्ड किया जाता है? ऑल पर्सन इंक्लूडिंग द कैजुअल एंड रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है. ये टाइप्स ऑफ रिटर्न उसके नाम है, आपसे ये पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक नेम पूछ सकता है, कौन सा रिटर्न है और ये किसके द्वारा फाइल किया जाता है, ठीक है. दूसरा है मंथली या क्वार्टरली रिटर्न टू रिपोर्ट द समरी फिगर्स ऑफ सेल्स ITC क्लेम एंड नेट टैक्स पेबल. तो इसकी बात की गई है GSTR 3B में, सारे पर्सन इंक्लूडिंग कैजुअल रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है. तो ये टाइप्स ऑफ रिटर्न है. फिफ्थ, यहाँ बात करें मंथली या पार्ट रिटर्न बाय द पर्सन हैविंग कोई भी बिजनेस प्लेस इन इंडिया नहीं है, तो इसकी बात की गई है GSTR 5 में और नॉन रेसिडेबल टैक्सेबल पर्सन. एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न, ये इसकी बात की गई है GSTR 9 में, सारे रजिस्टर्स पर्सन. फाइनल रिटर्न की बात करें तो ये बात की गई है GSTR 10 में, जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन हैं और हुज रजिस्ट्रेशन इज कैंसिल्ड या सरेंडर. तो ये टाइप्स ऑफ रिटर्न इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको है, उसके नाम भी पूछ सकते हैं और उसके ये टाइप्स भी. और ये नेक्स्ट है GST, CGST एंड GST इज कलेक्टेड बाई ऑल ऑफ दी अबव स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरीज की, यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव. तो ये सारे के सारे जो होते हैं कलेक्ट किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, यूनियन टेरिटरीज के द्वारा, ओके. 65 है, IGST इज पेबल व्हेन द सप्लाई इज इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट, इंट्रा UT की ऑल ऑफ दी अबव. तो इट इज पेबल जब सप्लाई कहाँ पर रहती है, इंटर स्टेट में. 66 है, CGST, SGST is payable when the supply is interstate, intra-state, intra-union territories, all of the above, that is intra-state.
67 है, विच फॉर्म इज फर्निस्ड फॉर सबमिशन ऑफ डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज अंडर सेक्शन 637, GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3 की GSTR 5। तो ऑप्शन नंबर ए GSTR। 68 है, मैक्सिमम पेनल्टी फॉर डिले इन फिलिंग GST रिटर्न इज 5,000, 50,000, 10,000 की 1,000, तो दैट इज 5,000। 69 है, तो मिनिमम पेनल्टी फॉर इम्प्रॉपर एक्सपोर्ट ऑफ प्रोहिबिटेड गुड्स इज 5,000, 10,000, 15,000, 25,000, तो ऑप्शन नंबर ए 5,000। 70 है, पेनल्टी फॉर नॉट रजिस्ट्रेशन अंडर तो GST 100%, अगर हम टैक्स ड्यू की बात करें 10,000, 100% अगर टैक्स ड्यू फॉर ₹10,000 जो सबसे ज़्यादा कम हो, कि 100% ऑफ द टैक्स विच इज़ ड्यू और ₹10,000 विच एवर इज हायर, तो ऑप्शन नंबर डी इन दोनों में से जो ज़्यादा है। नेक्स्ट है 71, पेनल्टी फॉर नॉट इशूइंग टैक्स इनवॉइस 100%, ये क्वेश्चन आई थिंक हो चुका है, अच्छा नहीं दोनों अलग है, रजिस्ट्रेशन का था और इससे है नॉट इशूइंग टैक्स इनवॉइस, तो 100% ऑफ टैक्स ड्यू, बी है 10,000, सी है 100% ऑफ टैक्स ड्यू टू 10,000 जो कम है और जो ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर डी 100% ऑफ द टैक्स ड्यू 10,000 जो हाई है। 72 है, पेनल्टी फॉर नॉट फिलिंग GST 100% ऑफ टैक्स ड्यू, बी है 10,000, सी है 100% ऑफ द टैक्स ड्यू और ₹10,000 जो उनमें से कम है, कि डी 100% ऑफ द टैक्स ड्यू और 10,000 विच इज़ हाई, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 है, यहाँ पर डिपॉजिट्स टूवर्ड्स टैक्स पेनल्टी इंटरेस्ट फी या कोई अदर अमाउंट आर क्रेडिटेड इनटू द डैश ऑफ अ टैक्सेबल पर्सन, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर, बी है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, क्या हो जाती है तो सी हो जाएगा, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। 74 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स जो होते हैं इसमें से डेबिटेड किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, आउटपुट टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, क्या हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है टैक्स पेयर्स हुज टर्नओवर इज मोर देन डैश आर रिक्वायर्ड टू मेंशन HSN कोड इन देयर इनवॉइस, इसका फुल फॉर्म मैंने बताया है, पहला वाला सीरीज आप देख लेना, 5 करोड़, 1.5 करोड़, 2.5 करोड़ की, 10 करोड़, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दैट इज़ 1.5 करोड़। तो ये टोटल आपके MCQ थे, कल के MCQ में भी हमने 50 MCQ डिस्कस किए थे, 50+, आज की भी इस सीरीज़ में, तो इन सारे को पढ़ लो और प्लस जितने वीडियोज़ अपलोड किए हैं उसको पढ़ लो, आपके लिए NFL। ओके थैंक यू, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देना।